संजय गढ़वी की धूम फिल्म के इंग्लिश टाइटल सॉन्ग को गाया है पॉप सिंगर टाटा यंग ने। हाल ही में मुंबई में इसी गाने को शूट किया अर्जुन सबलोक ने। हाल ही में दिया मिर्जा और डीनो मौर्या पहुंचे एक सी फूड रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए। खुद डीनो भी मुंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हाल ही में जैकी चैन की फिल्म टाइम ब्रेकर को शूट करके मुंबई लौटी मलिका शेरावत ने प्रेस के साथ मुलाकात की। अपने हॉलीवुड डेब्यू के साथ साथ अपनी हिंदी फिल्म किस किस की किस्मत की कम्प्लीशन को मनाने के लिए मलिका ने एक पार्टी रखी। सुनने में आया है कि फरदीन खान ने आजकल अपने लिए एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड रख लिया है। और सुनने में ये भी आया है कि फरदीन की बजाय आजकल लोग उस बॉडीगार्ड को ही देखते हैं। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हमें तो लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोड्यूसर्स भी फरदीन की जगह उस बॉडीगार्ड को अप्रोच करेंगे। सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन राम गोपाल वर्मा की गायब में तुषार कपूर का रोल करना चाहते थे, पर किसी वजह से वो ये रोल नहीं कर पाए। और अब हाल ऐसा है कि एक अलग बिल्कुल हट के फिल्म के इंतजार में बैठे ऋतिक ने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है। हमें तो लगता है ऋतिक कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पर्दे पर गायब होने का उनका सपना असल जिंदगी में पूरा हो जाए। कहा जा रहा है कि सोनू निगम की पत्नी मधुरिमा अब सोनू के साथ नहीं रह रही हैं। आपसी तनाव के कारण वो सोनू का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर कलकत्ता चली गई हैं। पर सोनू मानते हैं कि ये तनाव कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और किसी भी तरह से वो अपनी शादी को बचा लेंगे। ये तो हुई सोनू की बात, पर क्या मधुरिमा भी ऐसा सोचती है? कोई कुछ भी सोचे, हमें क्या।